जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, गुप्त रूप से पूजा करने का समय चल रहा है, माँ भगवती को मनाने का समय चल रहा है। माँ भगवती की 10 महाविद्याओं को, यानी कि माँ भगवती के शरीर से उत्पन्न 10 उनके स्वरूपों की पूजा करने का समय चल रहा है। और रोज आपको एक छोटा सा उपाय मिलता है जो आपका जीवन बना जाए। आशा करती हूँ वो छोटी छोटी सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। तो आज बात कर रहे हैं बच्चों की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए, उनका पढ़ाई में मन लगे, वो गुस्सा ना करें, तो हम क्या ऐसा एक उपाय करें कि हमारे बच्चों की जीवन बन जाए और हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए मैं एक ऐसा दिव्य उपाय लेकर आपके बीच में आई हूं कि आप इन नवरात्रों में भी उनको कर सकते हैं। और यदि किसी कारणवश आप करने की अवस्था में नहीं है और इन नवरात्रों में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर, अगर शुक्रवार का दिन हो तो बहुत बेहतर रहेगा, सोमवार का दिन हो तो भी बेहतर है, नहीं किसी भी दिन आप प्रारंभ कर सकते हैं। जो चीजें मैं बता रही हूँ वो चीज 9 दिन ही माता के मंदिर में, यानी अपने घर के मंदिर में आपको चढ़ा देनी है, और उसके 9 दिन के पश्चात फिर आपको उन्हें बच्चों को खिलाना प्रारंभ करना है। करना क्या है आपको, अभी आप क्योंकि आपको ये वीडियो मिलेगी 3 तारीख में, तो कुछ नवरात्रे बाकी हैं, कुछ निकल गए। अगर नवरात्रों का समापन भी हो जाए तो भी आपको ये सामग्री वहां से नहीं हटानी है। एक छोटी सी शीशी में आपको शहद लेना है, एक छोटी सी शीशी में आपको शहद लेना है, एक पतली सी चांदी की सलाई। चांदी की सलाई आप कहेंगे तो शायद आपको ना मिले, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है तो आप चांदी की बांसुरी रखते होंगे, बिल्कुल पतला सा एक तार आता है चांदी का, वो आप लेकर आ सकते हैं मार्केट से। और अगर वो भी नहीं और आपके घर में चांदी की कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी सी लंबी है, तो आप उसको भी स्वच्छ करके यूज कर सकते हैं। सोना चांदी अशुद्ध नहीं माना जाता, तो उन्हें स्वच्छ करके गंगा जल से पवित्र करके उस शहद की डिब्बी में आप वो चांदी की सलाई या जो भी आपने कोई चीज ली है वो उसमें आपको रख देनी है, ठीक है। उसके बाद आप उसका मुंह थोड़ा खुला रखेंगे, यानी कि पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे और पूरी तरह से खुला भी नहीं रखेंगे, ढक्कन को थोड़ा सा, जैसे ये बोतल है, सपोज ये बोतल है तो आपने इतना सा मुंह उसका खुला रहने दिया, छोटी डिब्बी कुछ में भी आप शायद रख सकते हैं, ये रखना है। नो आपको लॉन्ग रखनी है, नो नाइन, नाइन पेयर नहीं कह रही हूँ, नो जोड़े नहीं कह रही हूँ, नो लॉन्ग। और नो ही आपको इलायची, हरी इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, नो इलायची, नो लौंग, नो इलायची और शहद, थोड़ी सी मिश्री, अगर क्वांटिटी एग्जैक्ट ही बताऊं तो 50 ग्राम मिश्री आपको लेनी है, 50 ग्राम मिश्री, नो लौंग, नो इलायची, ये एक किसी एक पात्र में रखिएगा, शहद किसी एक पात्र में रखिएगा, और ये माता रानी को समर्पित करके अपने मन में, आपके मन में जो भी अपने बच्चों को लेकर दुविधा है, जो भी आप अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो सब बोलती है। पूरे 9 के 9 दिन आपको वही बोलना है और माता रानी के मंत्र का जाप करना है। और बस अब इनमें ये लगा लीजिए, वो जो आपने शहद रखा है, वो जो आपने 9 इलायची और 9 लौंग रखी है और मिश्री रखी है, इतना दिव्य भोग, इतना दिव्य प्रसाद वो बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा, या यूं कहूं बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा, यानी कि माता रानी के स्वरूप से सारी की सारी पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाएगी और वो इतना उत्तम कार्य करेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चमत्कार करेगा। 9 दिन रखना ही है, जरूरी नहीं है, मैं फिर बोल रही हूँ, नवरात्रों में अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं तो बाद में किसी भी दिन स्वच्छ अवस्था में आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। सोमवार का, शुक्रवार का दिन हो तो बहुत उत्तम रहेगा, उस दिन से प्रारंभ करके 9 दिन तक आपको प्रतिदिन सुबह शाम जोत जलानी है और माँ के मंत्र का जाप करना है, और 9 के 9 दिन अपने मन से वो ही बातें माता रानी के समक्ष कहनी है जो आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं। आशा करती हूँ सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ये इस तरह का ज्योतिषीय और सात्विक उपाय है जिसमें कहीं दूर से दूर तक कोई परेशानी की बात तो नहीं, परंतु फायदा ही फायदा है। 9 दिन के बाद जब आपने पूरे 9 दिन पूजा की और ये रखा, आप 9 दिन के बाद उसे वहां से हटाएंगे
जो चांदी की सलाई या चांदी की कोई चीज आपने शहद में डाली थी, उसी चांदी की चीज से वो शहद आप अपने बच्चे को चटाते रहिए। अब देखिए, यहाँ एक कंडीशन ये भी है कि बहुत सारी मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं वो ये बोलेंगी कि हमारे बच्चे तो यहाँ नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तो ये जो शहद वाला उपाय है ये छोटे छोटे बच्चों की मम्मी कर लें, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, पढ़ नहीं रहे, खेलने में दिमाग है, टीवी देखते रहते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, स्कूलिंग स्टार्ट हो गई है, कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन बच्चा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अपने कंपटीशन की तैयारी आप उनको करा रहे हैं, किसी चीज के एग्जाम के लिए आपने बहुत सारा पैसा भी दे दिया, लेकिन बच्चे का मन नहीं लग रहा, उस अवस्था में ये उपाय आपका 100% काम करेगा। तो ये शहद चटाना शुरू करिए। उसके पश्चात जो नौ लौंग है, नौ हरी इलायची है और मिश्री है, इनको आपको पीस लेना है, मिश्री अलग पीसना, लौंग और इलायची एक जगह पीसना, एक बार पीसना, फिर उसे छान देना, फिर उसका कुछ बच जाएगा, फिर उसको पीसना, ठीक है। इस तरह से पीसते पीसते बिल्कुल हरी इलायची के छिलके नहीं छीलने हैं, हरी इलायची के छिलके नहीं छीलने, छिलके के सहित ही आप उन्हें चाहे थोड़ा थोड़ा तोड़ सकते हैं और तोड़ के आप उनको पीस लीजिए, लेकिन छिलका नहीं उतारना है, और खूब अच्छे से पीसते रहिए और चाय वाली छन्नी में छानते रहिए, पीसते रहिए छानते रहिए, वो बिल्कुल पाउडर रहेगा, बहुत मामूली सा कुछ ऐश बचेगा, वो चाय में डाल दीजिएगा या उनके दूध में डाल दीजिएगा बाद में, जो जरा सा बाद में बच जाए, फेंकना कुछ भी नहीं है। और फिर वो 50 ग्राम मिश्री है उसको भी पीस लीजिए, उन सबको एक साथ मिला लीजिए, उन सबको मिलाकर रखिए, एक डब्बे में रखिए एयर टाइट में, और प्रातः काल बच्चे को प्रथम बार अगर वो पानी पीता है उठते के साथ, या उसे दूध पीने की आदत है, जो भी चीज पीने की आदत है, जरूरी नहीं है कि बच्चा उठते के साथ ही दूध पीता, हो सकता है वो पानी पीता हो, और अगर वो कुछ भी नहीं पीता है तो उसे आदत डालिए कि वो गुनगुना पानी पीना प्रारंभ करे, वो तो सेहत के लिए भी अच्छा है। तब अगर आपके बच्चे एडल्ट हैं, यानी कि आपके बच्चे ये कहूँ कि 6 साल से ऊपर के, 7-8 साल से ऊपर के हैं, तो आप उनको आधा चम्मच खाली पेट वो पाउडर, वो दिव्य प्रसाद जो आपने 9 दिन की पूजा से प्राप्त किया है, उसको आधी चम्मच बच्चों को खिलाइए, उसके ऊपर बच्चा दूध पी ले, बहुत ही बढ़िया, न पिए तो चाहे पानी पी ले, खाली पेट ये पिलाइए, उसके बाद आप बच्चा कुछ भी खाता पीता रहे। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, कुछ खाकर नहीं जाते, न पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक ही कप दे दीजिए, मत जिद करिए कि पूरा गिलास पी, एक कप दूध दे दीजिए, आधी चम्मच वो दे दीजिए, और बच्चा ज्यादा छोटा है आपका, 5-6 साल का बच्चा है, तो आप उसको 1/4 टीस्पून वो पाउडर दीजिए, उसके बाद उसको दूध वगैरह जो भी वो पीना चाहे पिला, आप ये देखेंगे कि ये उपाय कर लेने से, और फिर जितना ये आपने बनाया है वो जब खत्म हो जाए तो फिर आप फिर दोबारा 9 दिन की पूजा प्रारंभ कीजिए, संकल्प लेके पूजा प्रारंभ कीजिए, मैं अपने बच्चे के निमित्त इस पूजा को कर रही हूँ, और आपने वही सब बातें बोलनी है, अब मेरा बच्चा ठीक हो रहा है, अब मेरा बच्चा बात सुनने लगा, अब मेरा बच्चा पढ़ने लगा, अब मेरे बच्चे को हर जगह सफलता मिलने लगी, अब मेरा बच्चा खुश होने लगा, अब मेरा बच्चा चिड़चिड़ाता नहीं, अब मेरा बच्चा लड़ता नहीं, इस तरह की पॉजिटिविटी मन में लेते हुए फिर पुनः इसको रिपीट कर लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। जो बच्चे दूर रहते हैं तो आप मिलते तो होंगे उनसे, इसमें कुछ खराब होने वाली चीज भी नहीं है, तो आप उनके लिए बना लीजिए। अगर बच्ची हॉस्टल रहती है कहीं, तो छुट्टियों में तो बच्चे आते ही हैं, तब आप उनको डब्बा देते, बेटा खाली पेट आधा चम्मच आप इसको खा लेना, जरूरी नहीं है विस्तार पूर्वक आप उन्हें समझाएं, हो सकता है बच्चे इन चीजों को मानते ना हो, समझना चाहते ना हो, लेकिन आप तो चाहते हैं ना कि मेरे बच्चे का भला हो जाए, तो आप करिए, लेकिन खा तो आप नहीं सकती, आप उसको अभिमंत्रित कर सकती हैं, आप उसको दिव्य बना सकती हैं, आप उसमें पावर डाल सकती हैं, लेकिन आप उसको खा नहीं सकती, क्योंकि आपने पावर तो डाल दी, लेकिन वो पावर जानी तो बच्चे के पास है ना, तो इसलिए तो कोशिश करिएगा कि आप बच्चे तक उस चीज को पहुंचा दें, शहद पहुंचा पाए तो शहद पहुंचा दें, ना पहुंचा पाए पाउडर जरूर पहुंचा दें, और ये बनाकर देखिए और ये करके देखिए, ऐसा दिव्य उपाय है कि आप खुद सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कितना जबरदस्त फायदा होना प्रारंभ हो गया। फिर दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, फायदा नजर जरूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए, ईश्वर आपकी मदद करे।